सबसे पहले तुम्हें दो चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो चले जाना और यहाँ पे वर्डप्रेस लिख देना, वर्डप्रेस डाउनलोड। ओके, वर्डप्रेस डाउनलोड लिख दोगे, साइट आ जाएगी। साइट पे जाना, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कहाँ चला गया भाई, ये रहा। इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगा, जिप फाइल में आ जाएगा। ठीक है, जिप फाइल में आ जाएगा तो वो तुम्हारे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर होगा, जिप फाइल के अंदर। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जैम तो करवाई रखा है मैंने। ठीक है, तो डाउनलोड्स डाउनलोड्स डाउनलोड्स, ये रहा डाउनलोड। इसके अंदर वर्डप्रेस आ जाएगा ऐसा। इसको करना है तुम्हें एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जैम्प में जाना, एसटी डॉक्स में जाना और यहाँ ले आना। एक्सट्रैक्ट होने से वर्डप्रेस नाम का ही बनाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे सिंपल साइट नाम से रखा है। इसको खोलोगे तो ऐसी दिखेगी उसके अंदर वर्डप्रेस की फाइलें, देख रहे हो ना, इतनी सारी फाइलें होंगी। तुम्हारा ये नाम वर्डप्रेस होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मुझे एक नई वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधा डायरेक्ट खोल लूंगा तो एक नई वेबसाइट बन जाएगी ना। अभी ये तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सेम फोल्डर एक बार और कॉपी पेस्ट करूँ ताकि मेरी सैंपल साइट ना खराब हो तुम्हें दिखाने के चक्कर में। तुम देख रहे क्या हो रहा है सर, बता नहीं रहे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई साइट बनानी है यहाँ, तो उसका फोल्डर का नाम मैं लोकल होस्ट स्लैश करके खोल लेता हूँ, बन जाती है। मतलब यहाँ पे फाइल डाल देता हूँ सारी फाइलें, और वहाँ शो होने लग जाती है ना, पीएचपी की बताई थी मैंने, तो वर्डप्रेस भी पीएचपी में है। अभी फाइल खोल के दिखाई थी, पीएचपी दिख रहा था। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर तुम्हें जैम चालू करना है। ठीक है, इसमें स्टार्ट कर देना, स्टार्ट कर, ये दोनों की जरूरत पड़ती है हमें। डाटाबेस का इंटरफेस मैंने पूरा बताया था तुम्हें कैसा होता है, एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है कैसे करेंगे। MySQL से कैसे करेंगे, हाँ वही तो ऑप्शन आता कहाँ आता है। इसका चेहरा से बात है। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है ना, यहाँ साइड में जो छुपा हुआ है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। यहाँ पे जाना, न्यू पे डाटाबेस का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब वी नाम से डाटाबेस क्रिएट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अरे क्या खुल गया, अच्छा वो हो गया। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस करा, बस छुट्टी, अब कुछ खेलना ही नहीं है इसके साथ। डाटाबेस क्रिएट हो गया ना वर्डप्रेस के लिए, सिर्फ वर्डप्रेस के लिए एक बार डाटाबेस क्रिएट हो गया, छुट्टी। किस नाम से हुआ था, बी नाम से हुआ था। ठीक है, अब ये मेरी सैंपल साइट की कॉपी आ गई, इसको भी मैं बी नाम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बी नाम की मेरी साइट होगी। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश बी। ठीक है, अब ये घूमेगा घूमेगा, फिर ये खुलेगा, लेगा टाइम लेगा। जो चीज़ बताने वाला हूँ सटाक से याद कर लेना कि ये चीज़ होती है। ठीक है, अब कौन सी लैंग्वेज आती है तुम्हें, ये एक आधी बता देना कोई दूसरी। कंटिन्यू। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डाटाबेस नेम क्या रखा था, डाटाबेस का नेम क्या रखा था, बी। ठीक है, डाटाबेस का यूजर नेम क्या है, ये रखना पड़ेगा। ये तो पूछ ही रहा है मुझे चाहिए, क्यों नहीं रखा अभी तक। फिर डाटाबेस का पासवर्ड, डाटाबेस का होस्ट, हाँ वही तो, जो तुम्हारा डाटाबेस है वो भी तो सिक्योर होगा, उस पर भी तो आईडी पासवर्ड चाहिए। लेकिन ये लोकल में है, तो लोकल में आईडी और पासवर्ड, जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है, यूजर नेम होता है हमेशा रूट, RWT। ठीक है, डाटाबेस का नाम क्या था अपना, वी। यूजर नेम होगा अपना रूट, हमेशा लोकल के अंदर, अगर तुमने अपनी फाइल के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो। ठीक है, और पासवर्ड होगा ब्लैंक। काम कर रहे हैं हम लोकल होस्ट में, तो लोकल होस्ट। ठीक है, सबमिट। ये WP प्रीफिक्स है जो HTML की टेबल, ओ WP की टेबल बनेगी ना वर्डप्रेस की डाटाबेस के अंदर, तो हर बार ये टेबल बनाने से पहले WP लिख देगा। नई टेबल बनेगी, मतलब यूजर की टेबल बननी है, तो WP
अंडरस्कोर यूजर अपने आप लगा देगा, ठीक है। सबमिट सबमिट कर दिया, मान लो कोई एरर होता तो वहां एरर दिखाता, डाटाबेस का यूजर नेम क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। रन द इंस्टॉलेशन, अब ये किसका बोल रहा है, साइट टाइटल बताओ, साइट का टाइटल मेरा रख देना जो भी है। यूजर नेम पूछ रहा है अब ये वर्डप्रेस है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो तुम कोड करते हो ना ये ऑटोमेटिकली कोड कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए एक डैशबोर्ड होता है, अब उसका आईडी पासवर्ड बनाना है तुम्हें खुद के लिए। तो यूजर नेम क्या होगा अपना, यूजर नेम कुछ भी रखना चाहो रख दो, मैं तो एडमिन रख देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड सिर्फ ये मेरे लैपटॉप में है तो कोई दिक्कत वाली है नहीं, तो पासवर्ड देख लो, पासवर्ड कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ईमेल डाल देना और ये कर देना सर्च इंजन, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये सब उसके लिए, एसईओ के लिए, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लॉगिन कर लो, ठीक है लॉगिन कर लो, यहाँ पास एडमिन ए लॉगिन, अब तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ, डाटाबेस खोलते हैं हम अपना, ये एक वीक ऑनलाइन है जो मैं साइट बिल्ड कर रहा हूँ अभी, तो उसके डाटाबेस में देखो कितनी कितनी टेबल है, 6 जो कि मैंने बनाई खुद से डाटाबेस के अंदर जाके। अभी हमने वी नाम का बनाया है ना डाटाबेस, अब इसके अंदर देखो कितनी सारी है, कितनी सारी टेबल आ गई, ये किसने बनाई, वर्डप्रेस ने, हमने तो कुछ नहीं किया ना इसके अंदर, छेड़ा छाड़ी वर्डप्रेस ने बना दी, WP लगा के अपना फटाफट बैठ बैठ, ठीक है। अब ये आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को तुम्हें समझना पड़ेगा, पढ़ पढ़ के तो आराम से समझ सकते हो, लेकिन कोई नहीं मैं समझा दूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं अपनी साइट देख रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट बन के आ गई, सिंपल सा पेज मिला है मुझे, याद दिख रहा है वी, ये वेबसाइट का नेम है। अब देखो 8 मिनट है, इस 8 मिनट में मैं एक बेहतरीन वेबसाइट बना के दिखाऊं वर्डप्रेस पे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, बताऊंगा नहीं कैसे हो रहा है, दिखाऊंगा दिखाऊंगा बस, ठीक है। वैसे फटाफट चल जाए एक बार बस ये इसमें ये दिक्कत है, वो घूमर घूमर वो घूमते रहता है, जो चीज इरिटेट करती है। अभी वो वेबसाइट नहीं है, सारी थीम है, ठीक है। वेबसाइट दिखाई थी ना मैंने तुम्हें, कैसी थी देखो, अभी देखो चेंज होगी, होगी होगी ना चेंज अभी तो और कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, अभी देखो क्या क्या चेंज होता है, एकदम चेंज होगी। ऊपर देख लो URL वही है, लोकल होस्ट और भी, और कुछ नहीं है, पहले ब्लैक आ रहा था कुछ और था, अब कुछ और आ रहा है ना, या
मांगता है। 6 मिनट बचे हैं अभी, कोई बात नहीं। तो तुम एक सवाल तो कह सकते हो, सर फिर कोडिंग क्यों सीखा, इतना बेहतरीन तो अभी बन गया। 1 मिनट भाई, क्यों सिखाया हमें कोडिंग, क्या फायदा इसका? फीलिंग आएगी तुम्हें अभी देखना, यही वाली फीलिंग आएगी, क्या फायदा इसका सर, क्यों हमने मत्था मारा फिर इतना। बस एक बार ये मौत की रेखा लग खिंच जाए हो जाए मेरे यार। 11% हुआ अभी, कोई भी वेबसाइट यही दिख रही है ना, कोई करा लो बेइज्जती करा। वैसा कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तुम्हें, महीना लग जाएगा आराम से कोडिंग में, और वही सेम मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट किसी और को वर्डप्रेस में देना है तो तुम्हें 4 दिन मुश्किल होने। कोड की जरूरत ही नहीं है इसमें कुछ भी, कोड से तुम्हें दूर दूर वास्ता नहीं होगा, मतलब है लेकिन डेवलपमेंट में कोड इसके मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में कोड से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है इसमें। अभी तक कोड कुछ कोड किया मैंने तो उल्टा चल रहा है क्या? नहीं तुम लोग ही धमका रहे हो लग रहा है मुझे। नहीं बस इसी प्रोसेस में टाइम लगता है, टाइम दे दो। हो जाए बस एक बार, फिर दिखा के तुम्हें भगा दूँ, फिर रात भर सोचते रहना क्यों सीखा हमने, क्यों सीखा। इसलिए भी तो थीम बड़ी चूज कर ली थी मैंने, कोई बात नहीं। दो आओ, मेरी हाफ सेंचुरी होने वाली है। ये बात मेरे से बचे। इतना सारा पता है क्या कर रहा है वो, ई कॉमर्स साइट बना रहा हूँ मैं, उसमें प्रोडक्ट ऐड कर रहा है वो। हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यार, 90 पे आके छोड़ दिया। ये बात अभी मजा आएगा ना, भी डुबता है क्या हुआ?
अब ये मेरी पूरी की पूरी बात ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे प्रोडक्ट का पेज है, इस पे ऐसे जूम कर सकता हूँ मैं, ये भी बदल सकता हूँ मैं। हाँ ये भी है, ठीक है सब, चलो इसमें भी देख लेते हैं। ओफो कितना मस्त लग रहा है, कार्ट का भी पेज है ना। हाँ शॉपिंग करेंगे चलो। कैसी लगी वेबसाइट? तो फुट लगा देगा, इस्तेमाल किया मैंने कोडिंग, फालतू में सीखी तुम लोग। अब वो रात भर बैठ के सोचते रहना, या तो खुद ढूंढ के आ जाना।